आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। जनाब मीसम गोपालपुरी की जानिब को चलते हैं, लेकिन इस बीच में हमारे पास एक ऐसा शायर भी है जो आजकल नई बुलंदियों को छू रहा है, कामयाबी की उन बुलंदियों तक जा पहुंचा है, चाहे वो कवि सम्मेलन हो। चारों तरफ आप उसे इंस्टाग्राम, ट्विटर पर और फेसबुक पर रोज देखते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो दिल्ली से चलकर आज के इसके मुशायरे में शिरकत कर रहा है। कवि सम्मेलन का वो माहिर फनकार मुशायरों में कितना मकाम बनाता है, ये आप उसकी सोच, उसकी समझ को देख सकते हैं। जिसके शायर, जिसका कलाम पढ़ने का अपना अलग मखसूस अंदाज है, जिसकी बात आपकी, जो बात कहता है आपके जज्बात की तर्जुमानी कर देता है। आइए आवाज़ दें जनाब राजीव रियाज साहब को, जो दिल्ली से तशरीफ लाए। जनाब राजीव भाई, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, कवि सम्मेलन और मुशायरों का एक सा मकाम हासिल करने वाला वो शायर जनाब राजीव रियाज साहब। ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका था, चाहे और कितने भी ऐसे अहले हुनूद हजरात हैं, चाहे महेंद्र सिंह बेदी हों, चाहे खुमार साहब हों, चाहे और फिराक साहब हों, चाहे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू साहिबान होते हुए भी जिन्होंने हमारे इस उर्दू अदब की खिदमत की है और कुर्बानी दी है, उनका तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए कि वो आपकी अदब की हिफाजत कर रहे हैं, आपकी तहजीब की हिफाजत कर रहे हैं, आपकी विरासत की हिफाजत कर रहे हैं, आपसे भीख मांगते हैं अपनी मोहब्बतों की। आइए उन मोहब्बतों से नवाज दें उस शायर को जिसे राजीव रियाज कहते हैं। किसी का एक नात का शेर है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कदरे मोहतरम एटा वालों, आपसे ही मुशायरा चलता है एटा का। हम शायर मुशायरा नहीं चलाते हैं, हमसे कोई मुशायरा, हम मुशायरे को कामयाब बना ही नहीं सकते जब तक एटा वाले ये समय हैं जो इतने, ये आप ही मुशायरे को कामयाब करते हैं। बेशक आपने सुन के आप बताना है, आप बड़े बड़े शायर रह गए और आपको इसको कामयाब बनाना है। सुनिएगा दोस्तों सीधे सीधे खूबसूरत गजल आपकी समातों के हवाले। कुछ ज्यादा ही अगर रखते सफर रहता है, कुछ ज्यादा ही अगर रखते सफर रहता है, हर घड़ी राह में मुश्किल में बशर रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे राजीव, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ ज्यादा ही अगर रखते सफर रहता है, क्या कहने, हर घड़ी राह में मुश्किल में बशर रहता है। वाह वाह वाह, इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज। इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज, कीमती चीज के खो जाने का डर रहता है। देखो अच्छी शायरी पे दाद आ रही है। इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज, अच्छा है। इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज, वाह वाह वाह, कीमती चीज के खो जाने का डर रहता है, उसकी सांसों से महकती है कई दिन सांसें, उसकी सांसों से महकती है कई दिन सांसें, उसको छूने का कई रोज असर रहता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब गुजर जाती है ऊपर से परिंदों की कतार, वाह वाह वाह। बुजुर्गों के हवाले से एक शेर मैंने अर्ज किया है। अब गुजर जाती है ऊपर से परिंदों की कतार, वाह वाह वाह। अब गुजर जाती है ऊपर से परिंदों की कतार, नीचे मायूस खड़ा सूखा शजर रहता है। वाह वाह वाह, हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम ये शेर
लाल किला हमें कोई सजती है जब भी महफिल, लाल किला हमें कोई सजती है जब भी महफिल, ऐसा लगता है अब भी जफर रहता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लाल किला हमें कोई सजती है जब भी महफिल, लाल किला हमें कोई सजती है जब भी महफिल, ऐसा लगता है अब भी जफर रहता है। वाह वाह वाह, एक मतलब रखे सुनिएगा दोस्तों, की जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाऊंगा, जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाऊंगा, नशे में चूर आया था नशे में चूर जाऊंगा। वाह 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 वाह, जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाऊंगा। दोस्तों मैं जानता हूं मैं अच्छा शेर पढ़ रहा हूं, आप लोग दाद दीजिए, क्योंकि नाम सुनकर और किसी के साथ कोई बर्ताव नहीं होना चाहिए। राजीव, राजीव किसी के काम पर बर्ताव होना चाहिए। राजीव अभी तुमने जो भैया जी कहिन में जो न्यूज 18 में पढ़ा था वो सुना? अच्छा जी, मैं सीधे सीधे वही आ रहा हूं कि जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाऊंगा, नशे में चूर आया था नशे में चूर जाऊंगा, ये दुनिया कोयला मुझको समझती है मगर एक दिन जलूंगा इस कदर में होके कोहनूर जाऊंगा। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते, तेरी सूरत ही पढ़ते रह गए हम तो क्लासों में, किताब इतना अगर पढ़ते तो अफसर हो गए होते। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत बयानी की, तो उस दौरान हम लोग गए थाने, गए भाई कि इनके खिलाफ एक अर्जी हमारी है ले लीजिए, उनको लोगों को रोकिए, उनको कुछ कार्रवाई करिए। तो बहर हम 30 लोग गए थे, हम 30 को पकड़ के दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में डाल दिया, और जिनकी क़यादत में हम लोग गए थे जेल, वो ये बैठे हुए हैं कलीमुल हफीज़ साहब, आगे सदारत करें, एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। क्या बात, कलीम भाई के लिए और राजीव भाई के लिए भी। और उसके बाद फिर वहाँ शेर एक सुनिए वहाँ से आप, के शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ। शिकारियों के, शिकारियों के, और मुझे ये भी कहा गया यार आपका नाम तो राजीव है कैसे आप फंस गए, आप तो ये पतली गली से निकल लीजिए पीछे से। मैंने कहा पहले 29 है इनको छोड़िए तब मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। वाह 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 वाह, शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ। वाह, शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ, वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर से पढ़ो राजू भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, क्या बात है, क्या इशारा है, बहुत शुक्रिया। एक बार और, एक बार तालियां बजानी चाहिए शेर में यार, जी मैं क्या शेर हुआ है, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई, देखिए शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ, वो कत्ल करके भी बैठा हुआ है संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में। जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों किसी के हुस्न के एक खूबसूरत जाल से निकले, किसी के हुस्न के एक खूबसूरत जाल से निकले, न पूछो बच बचा कर किस तरह बंगाल से निकले। किसी के हुस्न के एक खूबसूरत जाल से निकले, न पूछो बच बचा कर किस तरह बंगाल से निकले, किसी के आंसुओं को एक दिन रो रो के पोछा था, हुआ फिर ये कई मोती मेरे रूमाल से निकले। खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते, खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते, कैसे आंखों को मगर शर्म से खाली करते, अब इसके बाद तैयार हो जाइएगा, खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते, कैसे आंखों को मगर शर्म से खाली करते,
वक्त बिगड़ा तो हुए हम भी दिहाड़ी मजदूर, इतने लाचार नहीं थे कि दलाली करते। जिंदाबाद जिंदाबाद राजीव चेयरमैन साहब, इस्तकबाल कर रहे हैं। जी की दुआएं मिल रही हैं तुम्हें, मोहब्बतें मिल रही हैं। राजीव भाई ये एक्स चेयरमैन जनाब राकेश गांधी साहब ने इस्तकबाल किया, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात, आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एटा वाले जिंदाबाद जिंदाबाद, इतनी अच्छी शायरी सुन के आपने बताया, आप तारीफ के काबिल हैं। वो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। वो चाहे मिलते हुए हो कि वो बिछड़ते हुए, वो चाहे मिलते हुए हो, वो चाहे मिलते हुए हो कि वो बिछड़ते हुए, जताया प्यार भी उसने तो मुझसे लड़ते हुए। क्या बात है, भाई क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं यार राजीव, वाह। जी जी मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी जी, वो चाहे मिलते हुए हो कि वो बिछड़ते हुए, जताया प्यार भी उसने तो मुझसे लड़ते हुए, वो दामे इश्क में आया तो फिर न छूटेगा, कटी है उम्र मेरी मछलियां पकड़ते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया भाई राजीव भाई, बहुत अच्छा शेर पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी निजामत करने के लिए जब मैं सहसवान में गया, मैंने इस शायर को वहाँ सुना तो यकीनी तौर से दिल चाहा कि एटा की सरजमी पे भी इस शायर को बुलाया जाए, जो आपकी बात आपसे कहता है, कितने सच्चे अंदाज से गुफ्तगू करता है, उसकी हौसला अफजाई आपका फर्ज है। माइक पे मोहतरम जनाब, उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे, उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे, इश्क करना है तो एक जंग की तैयारी करे। वाह, उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे, वाह, इश्क करना है तो एक जंग की तैयारी करे। कोठे वाली ने बहुत लोगों का खाया है नमक, तुम ही सोचो कि वो किस किस से वफादारी करे। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद राजीव भाई जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से तैयारी करे, इश्क करना है तो एक जंग की तैयारी करे। कोठे वाली ने बहुत लोगों का खाया है नमक, तुम ही सोचो कि वो किस किस से वफादारी करे। कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, वाह, कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, फिर भी मेरे घर से कोसों दूर उजाला है। वाह, एक बूढ़े ने जिसको जीना है बस कुछ दिन और, इंसानों से धोखा खाकर कुत्ता पाला है। वाह वाह, कैसे कैसे किरदारों में खुद को डाला है, इंसानों से धोखा खाकर कुत्ता पाला है। वाह 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 वाह, वाकई कुत्ता बड़ा भाई वफादार होता है। राजीव जीते रहो, जीते रहो, शुक्रिया दीदी, खुश रहो। इंसानों से धोखा खाके कुत्ता पाला है, वफादारी देखनी है तो कुत्ते से देखिए। कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, फिर भी मेरे घर से कोसों दूर उजाला है। एक बूढ़े ने जिसको जीना है बस कुछ दिन और, इंसानों से धोखा खाकर कुत्ता पाला है। जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई, वाह, जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई, चलो ये प्यार मोहब्बत से जान छूट गई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या लगता है दिल टूट गया है उधर भाई का मेरे, देखिए बहुत उछल के दाद दिया, बहुत शुक्रिया दोस्त। जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई, चलो ये प्यार मोहब्बत से जान छूट गई। किसी ने संग उछाले तो कुछ हुआ ना मुझे, लगे जो फूल तो धारा जबी से फूट गई। वाह 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 वाह, किसी ने संग उछाले तो कुछ हुआ ना मुझे, लगे जो फूल तो धारा जबी से फूट गई। मैं तुझको देख के मंजिल पे खुश रहूंगा ए दोस्त, मेरी तो आखिरी गाड़ी थी वो भी छूट गई।